प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा, बल्कि दो टॉपिक रहेगा छोटे छोटे, वो है एक तो पिक्चर प्रॉब्लम का। पिक्चर प्रॉब्लम वाला जैसे कि आपके पास एक लूडो है या कोई गेम खेल रहे हैं आप, ठीक है, जमीन पर एक स्क्वायर बनाया, रेक्टेंगल बनाया, उसके बीचों बीच आपने एक सर्कल बना दिया, ठीक है। इसके डायमेंशन मान लेते हैं कि ये 3 मीटर का है और ये 2 मीटर का है। ये जो सर्कल इसका रेडियस 1 मीटर का है, चलो 1 मीटर था, ठीक है। गेम ये है कि आपने डाइस फेंकनी है, वो डाइस इस सर्कल में जाकर गिरने चाहिए, इससे क्या प्रॉब्लम होगी, ठीक है। एक तो ये प्रॉब्लम देखिए, एक ये प्रॉब्लम देखिए कि एक फॉरेस्ट है, जंगल है आपके पास, ठीक है। इस जंगल के किनारे एक पोर्ट है, ये 9.5 किलोमीटर लंबा है, 6.5 किलोमीटर चौड़ा है, ठीक है। इस पोर्ट की लंबाई है ये 1.5 किलोमीटर, लंबाई है इसकी 2.5 किलोमीटर, ठीक है जी। और बाकी हिस्सा पेड़ पौधों से घिरा हुआ है, राइट। ध्यान से देखिएगा दोनों फिगर को, पिक्चर प्रॉब्लम है, इस पर आपका केस स्टडी भी बनता है, रखिएगा। आपने डाइस पे की, वो डाइस कूलर पार्ट पे जाना चाहिए, एक बात। दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक जंगल है, जंगल के किनारे एक पॉन्ड है, लेक है, इस तरह के वर्ड यूज करेंगे। एक प्लेन क्रैश हो गया, और प्लेन क्रैश होने के बाद इस पानी में गिरा है जाकर, इस पॉन्ड में जाकर गिरा, इस बात की क्या प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो जब भी पिक्चर के क्वेश्चन आएंगे याद रखिएगा आपको एरिया से सॉल्व करना है, किससे सॉल्व करना है, एरिया से। तो यहां बोला गया है कि डाइस सर्कल में जाकर गिरी है, तो प्रोबेबिलिटी डाई लाइन इन सर्कल, ठीक है। तो सर्कल का एरिया यानी एरिया ऑफ सर्कल अपॉन में एरिया ऑफ, हाँ जी, रेक्टेंगल, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर एल इनटू बी। अब इसके डायमेंशन आपके पास ही बिल्कुल का आप लगा सकते हैं। अब आई बात पॉड की, प्लेन क्रैश हुआ, प्रोबेबिलिटी प्लेन क्रैश इन द पॉड, या वैसे लेक का वर्ड ज्यादा यूज करते हैं, कोई यूज नहीं होगा लेक, ठीक है जी। तो एरिया ऑफ लेक, एरिया ऑफ लेक अपॉन में एरिया ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है जी। लेक का एरिया एल टू बी करके निकलेगा, क्योंकि ये लंबाई थोड़ा ज्यादा का है। इसी तरह से फॉरेस्ट एरिया, ये तो पूरा ही टोटली एल टू बी, हालांकि दोनों पर सेम फॉर्मूला लग रहा है, लेकिन मैंने आइडेंटिफिकेशन अलग अलग कर दिया, एक स्मॉल से दिखा दी, एक कैपिटल से दिखा दी, ठीक है। अगर इसमें ये कहते हैं कि प्लेन क्रैश ना, अगर ये कहते हैं कि प्लेन क्रैश ना फॉरेस्ट, ठीक है, तो हमें फॉरेस्ट का एरिया चाहिए होगा, पूरा नहीं, फॉरेस्ट एरिया वो ये वाला पार्ट। तो टोटल एरिया में से लेक माइनस करेंगे तो वाला पार्ट भी मिलेगा, फिर अगर ये बोलते हैं तो ये निकालकर ऊपर वो रखते हैं, अपॉन में टोटल रखते हैं,
ठीक है। तो यहां पर क्या रखेंगे हम, ढाई इंटू डेढ़ साढ़े नौ इंटू साढ़े छह, ठीक है। यहां पर बाय आर स्क्वायर लीजिएगा, 22 बाय 7, ठीक है, आर का 1 है, अपॉन में 3 इंटू, ठीक है। तो ये तो थी पिक्चर प्रॉब्लम, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे फिगर्स वाले, कर लेंगे हमेशा, ये रही तो सॉल्व करेंगे आप। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपकी नंबर प्रॉब्लम, नंबर प्रॉब्लम, अरे यार क्यों सुन रहा हूँ ये।